तत् शुभ कुरु वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनी जाय विद्महे वाय पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात्। किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा धन माल कितना है, किसी ने हमें पूछा कि आधार तेरा घर बार कितना है, किसी ने हमें पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना। सर्द चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है उन काले भमरों से पूछो, जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो, पतंग दीपक पर मरता है ये प्यार पतंगों को पूछो, भगवान की भक्ति में सुख क्या है भगवान के भक्तों को पूछो। जब तुम भगवान के भक्तों को पूछोगे कि भगवान की भक्ति में क्या आनंद है क्या मस्ती है, भक्त बहुत मीठा जवाब देगा। यही पूछा था मीरा की नंद ने मीरा को कि भाभी तुम रोज कन्हैया के सामने रोती हो, तड़पाती हो, चटपटाती हो, कन्हैया तुमसे बात नहीं करती। तो मीरा अपनी नंद से बोली, दीदी ऐसी मेरी किस्मत कहाँ जो हमसे बोले, ऐसे मेरे कर्म कहाँ जो जे हमसे बात करने लगे। मीरा ने एक इशारा किया अपने नंद को, क्या हमारे श्याम की बतियां कि मैं जानू की बोझा, जाने
भक्तो, आज इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का पंचम दिवस हमारे प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनी स्वामी श्री नित्यानंद गिरी महाराज इनकी छत्र छाया में आज पांचवें दिन का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। भाइयों, संतों की जहां कृपा हो जाती वहां परमात्मा की कृपा बरसती है। संतों की कृपा जब होती है तो परमात्मा की कृपा बरसती है। आप लोग तो धन्यवाद की योग्य हो ही जो इतने संतों के नजदीक हो और संतों की कुटीर पर आकर के उन भव्य संतों का दर्शन करते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो लोग संतों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं उनके सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भाइयों, ये शरीर जो मिला है हम और आपको, सिर्फ इसी ने इसीलिए नहीं मिला कि बहुत अच्छी औरत मिल गई, बहुत अच्छी दौलत मिल गई, बहुत अच्छी औलाद मिल गई, बहुत अच्छा हमें समाज में सम्मान मिल गया। ये मानव का शरीर जो दिया है, भजन करने को दिया है, परोपकार करने को दिया है और जो प्राणों के प्राण परमात्मा का भजन करते हैं, कल्याणकारी संतों के चरणों का स्पर्श करते हैं, वही पुण्य आत्माएं धन्य हैं। वैसे एक बात बताऊं, ये शरीर बड़ा दुखदायी है। आज 5-6 दिन हो गए हमारी दाढ़ में दर्द है बहुत जोर से, इतना दर्द कि रात को नींद में लेटे चैन नहीं, बैठे चैन नहीं। तो परमात्मा से भजन करते समय यही कहें कि प्रभु दादू राम संभाल ले जौलो सुखी शरीर, फिर पछताए होत गए अब तन मन धरन धीर। हे परमात्मा, जे शरीर जब सुखी नहीं है तो भजन भी नहीं बनता। आज जाकर के बदायूं में दिखाया भी, डॉक्टर को दबा दी, लेकिन आते आते एक भक्त के यहाँ भोजन किया और जो लेटे इंद्रम भयंकर बुखार, उस बुखार ने सारी हड्डी हड्डी को तोड़ दिया। लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अब हम ड्यूटी पर भी नहीं जा पाएंगे, तुम चाहे बुखार को तोड़ो या मरोड़ो या नक मरोड़ो, हमें गद्दी पर तो जाना ही है, तो सरकार की ड्यूटी बजानी है। तो इसी तरह तुम लोग भी उन परमात्मा की ड्यूटी पर अपना ध्यान दे लो, सबसे ज्यादा ध्यान दे लो कि हमें प्राणों के प्राण प्रभु की ड्यूटी बजानी है। क्योंकि हम तुम नौकर हैं, मालिक तो परमात्मा है। भगवान कहते हैं जे खेत मेरा है, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है, ये संतान मेरी है, वो नौकर तू कमा खा और खबा। ध्यान रखो, दादू दावा दूर कर बिन दावा दिन काट, जन कितने सौदा करिए ये पंसारी की हाट। तो ध्यान रखना लोगों, परिवार की ड्यूटी तो बजाओ लेकिन दीनानाथ के आदेश अनुसार
अपने को समर्पित करते रहो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण है। क्योंकि लाख 84 संत भगवान बताते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें रंग बदल बदल के हमें तुम्हें मानव को शरीर मिलो है। लख 84 भोग के पह पे अटक आए और अब की बाजी हार गए, फिर 84 लाख योनियों भटकना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर मिलने पर जब शरीर में इतने कष्ट हैं, तो गधा कुत्ता सुअर बन जाओगे कितने कष्ट होंगे। मेरे भक्तों, लख 84 खत्म हुई ना, बीत जन्म युग चार गए, नाकम दम हो गई जन्म ते, मरते मरते हार गए। पसीना से पैदा हुए, कभी मगरमच्छ बन गए पानी में, उम्र जीवन भर जल पीने में लगे, कभी गधा कुत्ता श्यार बने अपने कर्म करने से, फिर भी मुक्ति नहीं मिली तो मौत वाली है जीने से। अब आ गया नंबर तुम्हारा, अब की दम बाजी हार गए तो बड़े कष्ट होते हैं लोगों, माँ के पेट में भी बड़े कष्ट होते हैं, जरूर बता दूं आपको। हमने देखा कभी कभी माँ कहती पेट का बच्चा फड़क रहा है, माताएं कहती पेट का बच्चा फड़क रहा है, फड़क नहीं रहा, तड़फ रहा है, ये इतना खटाई खा लेती हैं, इतनी नमक मिर्चें खा लेती हैं कि पेट के बच्चा को बड़ी जठाराग्नि से तो जलता ही है, लेकिन इनके भोजन से तड़पता है। इसलिए ध्यान रखना, अब की बार हार मत जाना, सतगुरु के चरणों के धूल बन जाओगे तो तुम हारोगे नहीं। स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज के चरणों की धूल बन जाओ, ब्रह्मलीन केशवानंद जी जिन्होंने यहां पर धर्म की ईंट स्थापित की है, तो ये न समझो कि वो दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं है। शरबत संत कभी मरते नहीं,
ब्रह्मलीन होते हो, ब्रह्म अगोचर है, ध्यान रखिए। मैंने वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन मीमांसा स्मृतियां पुराणों को पढ़ा है। एक ओ ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही परमात्मा है जो संसार के चक्र को चलाता है। तो याद रखना भाइयों, ये स्थान पे हर साल यहाँ ज्ञान का मेला लगता है। संसार के बाजार में व्यापार की मंडी लगी, उरी होशियार सौदा संवार के खरीदिए। स्वामी नित्यानंद गिरी हैं शराबी यहाँ, अकल पास हो बस तो साफ साफ लीजिए। शराब है महर्षि नित्यानंद गिरी महाराज, यहाँ से अच्छी अच्छी वस्तु को ग्रहण करो, धन्य हो जाओगे तुम। ये कथा तो रोज सुनी तुमने, लेकिन कुछ अंतरात्मा की कल्याण की रास्ता अपनाओ भाइयों। अभी तुमने सुना कि कंस पैदा हुआ जो अत्याचारी था, और अच्छा पूरी, हाँ ठीक, स्वामी नित्यानंद पुरी जी इनके सतगुरु हैं केशवानंद पुरी जी। मैं पुरी की जगह गिरी बोल जाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात। मेरे भाइयों, बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने को चली, जो मथुरा में घुसी कंस 18 गुंडन को ले भाई गली में खड़ा बोला, ए लड़की कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब आपने हमें पहचान ना पाए, हम तो रोज ही दही बेचने को आती हूँ, बरसानी से आई, तुम बरसानी की हो? हाँ, हमें जानती हो मैं कौन हूँ? कहने लगी, जानती हूँ आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन को आ रही है? आगे बारी लड़कियां कहने लगी, महाराज इन दो की शादी, तीन की शादी हो गई, हम दो की शादी नहीं हुई। कंस बोला, ये लड़कियां कहाँ भी आई हैं? जवाब दिया बरसाने, गोकुल में भी आई हैं, बरसाने में रहती। कंस बोला, मथुरा के नौजवान मर गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बरस गोकुल में किया, 18 गुणों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो, तो दबाव ना में कैसी बताई हाँ भाइयों, बहुत तेज होने लगा। अब ये बाद की बात है, अबे की बात कर। आज कंस ने 18 गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो, तब तक चमड़े का हंटर बरसाओ, इनकी आवाजें बंद हो जाएं। टैबू रखा हुए टैबू यहाँ है तो वो ही ले आ। आज उन गुंडों ने तीनों बालाओं को वृक्ष से बांध दिया, लड़की आदि झुकी हैं, ऊपर से जालिम कोड़ा बरसा रहे, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरने लगे, लड़कियां हाय हाय चिल्ला रही, निर्लज्जों को न दया है न हया। उनकी आवाजें बंद हो गई, कंस ने हाथ उठा दिया, गुंडों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों लड़की कांपने लगी, कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह का तक रहे, सर से मथनिया जमीन पर रखो,
अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती बल कंकड़ों पर चलो। भक्त जुल्मों की हद होती है, बेपर्दा करके लड़कियों को छाती बल जमीन पर चला रहा है, कंकड़ों पर। यह दृश्य कितना भीषण भीषण है। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज हमारी बेटियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया। एक प्रतिनिधि मंडल कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में आया, अपनी लड़कियां सामने करके बोला, महाराज तुम्हारा बेटा कंस से रंग में भंग मिला देगा, देखी मेरी बेटियों की हालत। और क्या बोले हैं वो सरपंच, राजा वो मर जाए जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। दारू पिए मांस को खावे, तके
पराए पति को गले लगावे, खोले खोले बेईमान मरे तो आनंद में बिंद खोले।